स्टोरी जानना चाहती हूँ, बताओगे? अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। और भाई कुछ नया नहीं है, वैसे तो हम लोगों को पता ही होगा कभी कई सारे राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए जिसमें कांग्रेस को करारी हार मिली, जिस वजह से वो कांग्रेस के लोगों से कह रहा है कि बीएम जीत गया, आपका मत हार गया। अच्छा, अब कांग्रेस के इस बयान के बाद कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस जीत जाती है वहाँ पे ईवीएम का कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाता है। यही तो। लेकिन रुको, जरा सबर करो, अगर इस तरीके का सवाल आम जनता करे तो बात समझ में आता है, या फिर बीजेपी नेता करे तब भी समझ में आता है, लेकिन पता नहीं कुछ पत्रकारों को क्या चुन मची रहती है भाई, वो खिसियाई बिल्ली की तरह काम करते रहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? देखिएगा, घबराना नहीं, आज मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूँ और ये कान खोल के सुनिए कि क्यों ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि इसके अंदर ना कोई वाईफाई होता है ना कोई ब्लूटूथ होता है। समझ गया। जब वाईफाई है ही नहीं, ब्लूटूथ है ही नहीं, तो बाहर से कनेक्ट कैसे करोगे भैया? हमारे यहाँ बिहार में इसको थेथराई कहते हैं। शाबाश। अब सुशांत सिन्हा की इन बातों को सुन के लोग भी ये कह रहे हैं कि महाराज की बॉस आपके हिसाब से ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो फिर ये है क्या है? इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसे एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहाँ वोट डलवाना चाहे वहाँ वोट डलवा सकता है। कैन यू एक्सप्लेन? ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम के जरिए वोटिंग करनी शुरू कर दी। डेमो के दौरान आम आदमी पार्टी को सौरभ ने 10 वोट दिए। बीएसपी के सामने उन्होंने 2 बार बटन दबाया। बीजेपी के सामने बटन उन्होंने 3 बार दबाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी उन्होंने 2-2 वोट दिए। इस तरह ईवीएम नुमा मशीन में कुल 19 वोट डाले गए। आम आदमी पार्टी को 10 वोट पड़े थे, लेकिन नतीजे में आम आदमी पार्टी के खाते में 2 वोट दिख रहे थे। बीएसपी को 2 वोट मिले, नतीजे में 2 वोट ही दिख रहे थे। इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी 2-2 वोट मिले थे, इसकी गिनती भी सही निकली। बीजेपी को तो महज 3 वोट पड़े थे, लेकिन गिनती के दौरान बीजेपी के वोटों की संख्या 11 दिखने लगी। इस खबर को देखकर लोग ऐसा ही चौंक गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी सुशांत बोस को यकीन हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों ने इस चीज के लिए एक जबरदस्त वीडियो ढूंढ निकाला है, और वो वीडियो है बीजेपी के गद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी का। इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा, हम कोई पागल हैं? हम तो ईवीएम नहीं लगा उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। चौंक गए महाराज। हाँ। तो सुनिए, एक अच्छा खासा सिस्टम जो शायद ही किसी देश में हो उसको भी बदनाम करते हर बार। हाँ बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। अब जरा गौर करने वाली बात है, खुद बीजेपी के गद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ईवीएम को गलत ठहरा रहे हैं, और सुशांत बोस जैसे लोग दिन रात ईवीएम को सही ठहराने में तुले रहते हैं। अरे बाबा, टाइम बहुत खराब आ गया। वैसे आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।